विराट कोहली के साथ हुई बेईमानी, एम्पायर पर भड़के भारतीय दिग्गज क्रिकेटर। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के आज 5 विकेट गिर जाने के बाद विराट कोहली टीम इंडिया के एकमात्र सहारा थे, लेकिन विराट कोहली के साथ ऐसी बेईमानी नहीं देखी गई, जिसके बाद में विराट कोहली तो काफ़ी निराश थे, साथ ही टीम इंडिया के कई सारे क्रिकेटर्स भी इसे देखकर काफ़ी हैरान हो गए और बीच मैदान आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो बताएंगे इस पूरी घटना की पूरी जानकारी, आखिरकार क्या है पूरा मामला और कैसे टीम इंडिया इस मुकाबले में पूरी तरह से फिसल गया। दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा, केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा और श्री से जल्दी आउट हो जाने के बाद रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने टीम इंडिया की पारी को संभाला। टीम इंडिया का स्कोर 100 के पार ले गए, तभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए और आउट हो जाने के बाद विराट कोहली अकेले रह गए। लेकिन विराट कोहली 44 पर बल्लेबाजी कर रहे थे कि उनके एक गेंद पैड और बैट के बीच में आ फंसी और जब इसका DRS लिया गया तो यह साफ नजर आ रही थी कि यह गेंद पहले उनके बल्ले पर लगी थी और बाद में उनके पैड पर लगी थी। लेकिन थर्ड एम्पायर ने इन्हें काफी बार चेक करने के बावजूद भी विराट कोहली को पहले गेंद उनके पैर पर लगती दिखाई दी और आखिरकार उन्हें आउट दे दिया। उसके बाद में विराट कोहली तो काफी नाखुश नजर आए, साथ ही डगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी काफी नाखुश नजर आ रहे थे, क्योंकि विराट कोहली टीम इंडिया के इस समय एकमात्र सहारा थे। ऐसे में टीम इंडिया पूरी तरह से इस मुकाबले में बैकवर्ड पर जा सकती है। दोस्तों, आपके हिसाब से विराट कोहली आउट थे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि सारे अपडेट आप लोगों को मिलते रहे।